हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। आज का टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान में जो ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हुई थी, क्या उसे पाकिस्तान कर सकता है रिवर्स इंजीनियर। जैसा कि आप सब जानते हैं, ड्यू टू सम इश्यूज एक्सीडेंटली एक ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी पाकिस्तान में, जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि उसका जो मलबा वहाँ पड़ा था वो बहुत ही बेकार, बहुत ही ध्वस्त हालत में पड़ा था। तो पाकिस्तान ने क्या कहा, पाकिस्तान ने इसमें यह स्टेटमेंट दिया कि हम इसे रिवर्स इंजीनियर करके अपनी खुद की ऐसी एक मिसाइल बना लेंगे। अब थोड़ी बात करते हैं पाकिस्तान और रिवर्स इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का। पाकिस्तान ने एक टोमाहॉक मिसाइल जो अमेरिका ने फायर की थी अफगानिस्तान पे, ये मिसाइल उन्हें मिली थी ऑलमोस्ट आप इंटैक्ट या नॉट यूज्ड कह सकते हैं, ये उन्हें मिली थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में। ये मिसाइल वो उठा के ले आए अपने देश में और फिर उन्होंने इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर किया रावलपिंडी में, और इस मिसाइल के बाद इन्होंने बनाया बाबर। तो जब बाबर मिसाइल नहीं आई थी तो बहुत लोग हैरान थे और बहुत लोग देख के इसे बहुत सिमिलर कह रहे थे टोमाहॉक मिसाइल से। बट जब उस समय के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ ने खुद ये बात साफ साफ कह दी कि उन्होंने रिवर्स इंजीनियर किया, तब साफ साफ समझ में आ गया कि बाबर मिसाइल सिर्फ आखिरकार एक कॉपी है टोमाहॉक मिसाइल की। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल का मलबा। अब आप ही बताइए, ये मलबा इतनी बुरी तरह से चूर चूर है और ध्वस्त है कि इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बट खैर, पाकिस्तान की जिद है कि उन्हें रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है तो कर ले। अब उनका प्लान ये है कि वो कह रहे हैं कि हम इस मिसाइल को लेकर जाएंगे चाइना के पास और चाइना की मदद से करेंगे रिवर्स इंजीनियर। तो इसमें सोचने वाली बात ये है कि चाइना, जिसके पास ब्रह्मोस से भी ज़्यादा पावरफुल मिसाइल है, जो हमसे 3 गुना ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा रेंज है, वो पाकिस्तान को आखिरकार इस मिसाइल को रिवर्स इंजीनियर करने में हेल्प करेगा ही क्यों और किस मुद्दे से ही करेगा। जब पाकिस्तान गया था लोन मांगे तब तो उसे लात मार के बाहर निकाल दिया था, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाइना पाकिस्तान को हेल्प करे। हाँ, मगर पाकिस्तान चाइना के पास ज़रूर जाएगा भीख मांगने, वो तो हम सब जानते ही हैं। एंड अगर हम लोग एक पल को ये पॉसिबिलिटी मान भी लेते हैं कि अगर उन्होंने रिवर्स इंजीनियर कर भी लिया, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो ब्रह्मोस जितना एक्यूरेट, फास्ट और ड्यूरेबल होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे एक बात बहुत अच्छी है कि दोनों कंट्रीज़ ने इस पूरे इंसिडेंट को बहुत मैच्योरली और बहुत सिस्टमेटिक वे में हैंडल किया। इंडिया ने तुरंत सामने आकर अपनी गलती मानी कि हाँ, हमसे गलती से मिसाइल फायर हुई, और पाकिस्तान ने भी हालात को समझा, ना कि इस छोटे से बात को लेकर जंग में उतर गए दोनों देश, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वॉर से किसी का भला नहीं होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपका सपोर्ट देख सकें। थैंक यू।